और ये देखिए टॉम ऑफ बिजरी खान, और ये जाने का रास्ता है अंदर, और वो ठीक सामने। और ये चलते हैं यहाँ से, ये बाहर से एक बार व्यू देख लेते हैं बिजरी खान के मकबरे का। और ये देखिए पहाड़ी पत्थरों से बना हुआ है ये पूरा। कि यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, 5 कब्रें हैं। अब इसमें बिजरी खान की कौन सी कब्र है? और ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटी सी गुमटी बनी हुई है, आइए देखते हैं यहाँ क्या है। और वहाँ से इसकी एंट्री है। देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है बिजरी खान के मकबरे का। और ये मैं आपको एक बार फ्रंट से इसकी व्यू दिखा रहा हूँ। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब दोस्तों? आज मैं आपको लेकर आया हूँ बिजरी खान के मकबरे पे, जो दिल्ली के आरकेपुरम के सेक्टर 2 में मौजूद है। दोस्तों अपने इस वीडियो में पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ इसकी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों देर ना करते हैं और चलते हैं और जानते हैं इस ऐतिहासिक मोनूमेंट की हिस्ट्री। और ये देखिए टॉम ऑफ बिजरी खान, और ये जाने का रास्ता है अंदर, और वो ठीक सामने। आइए चलते हैं यहाँ से। और ये वहाँ पर ASI का बोर्ड लगा हुआ है। आइए पहले पढ़ते हैं क्या हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये दोस्तों बिजरी खान के मकबरे के बारे में ये ASI द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको अभी अपने वीडियो में बताऊंगा। और ये उससे पहले ये बाहर से एक बार व्यू देख लेते हैं बिजरी खान के मकबरे का। और ये देखिए पहाड़ी पत्थरों से बना हुआ है ये पूरा, और ऊपर मेहराब और ठीक ऊपर गुंबद। आपको अपने इस वीडियो में पूरी हिस्ट्री बताऊंगा बिजरी खान की, और इस मकबरे को आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं बिजरी खान का मकबरा। ये आप देख सकते हैं, और ये आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ बिजरी खान के मकबरे का। और ये देखिए यहाँ पर गार्ड भी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कोई ऐसी सुरक्षा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ये देखिए ये गांव है, गांव के बिल्कुल साथ ही ये बना हुआ है मकबरा। और ये देखिए दोस्तों आपको अभी दूसरी तरफ से जाकर इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ मकबरे का। ये मैं ठीक इसके पहाड़ी पत्थर, और ये देखिए मैं इसके दूसरी तरफ आ चुका हूँ। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटी सी गुमटी बनी हुई है, आइए देखते हैं यहाँ क्या है। और वहाँ से इसकी एंट्री है। देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, जैसा कि अक्सर हमने गुमटियों में देखा है कि पहले कब्र हो सकती है यहाँ पर, लेकिन इस समय यहाँ कुछ नहीं है। समय के साथ नष्ट हो गई होगी कब्र, या तो नष्ट कर दी गई होगी, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए ये मैं आपको दिखा दूँ, यही है ऊपर जाने का रास्ता बिजरी खान। और ये देखिए दोस्तों यहाँ लॉक लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको अंदर ये फ़ोन डाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, 5 कब्रें हैं। अब इसमें बिजरी खान की कौन सी कब्र है ये बताना मुश्किल है। और दोस्तों बता देता हूँ आपको, बिजरी खान के बारे में बहुत कम हिस्ट्री है, मतलब ना के बराबर ही हिस्ट्री है। ASI वालों को भी बिजरी खान के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो हम ये कहना भी मुश्किल है कि इनमें से बिजरी खान की कौन सी कब्र है। लेकिन बिजरी खान लोधी समय की, ये सारे मोनूमेंट्स हैं, ये भी लोधी समय का, लोधी कालीन एक जगह है। तो बिजरी खान हम अनुमान लगा सकते हैं कि लोधी दरबार में या तो दरबारी होंगे या बहुत बड़े रईस होंगे, क्योंकि ऐसा मकबरा तो किसी एक बड़े इंसान का ही बन सकता है। आम आदमियों को तो 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं होती कभी, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखिए एक बार मैं आपको खूबसूरत इस मकबरे का, लोधी कालीन तकरीबन 600 साल पुराना मकबरा। लोधी कालीन दोस्तों 1526 में ख़त्म हुआ था, और 1451 में इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने करी थी, और इसमें बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी। और ये देखिए आप ये बिजरी खान का मकबरा, जो कि दिल्ली के आरकेपुरम में है।
और ये पूरा कॉम्प्लेक्स है बिजरी खान के मकबरे का। इसको ASI ने बंद किया हुआ है क्योंकि अंदर रेनोवेशन का काम यहाँ चलता ही रहता है। और ये मैं आपको एक बार फ्रंट से इसकी व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो अपने इस वीडियो में मैंने बिजरी खान के मकबरे का आपको दिखाया और इसकी हिस्ट्री बताई, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।